गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि बारिश की वजह से शहर के अलग अलग इलाकों में बरसाती नाले भी उफान पर। ऐसे ही एक बरसाती नाले में कार फंस गई, जिसमें बैठे लोगों को आसपास के लोगों ने निकाल लिया, लेकिन कार पानी में फंसी रह गई, जिसे आसपास के लोग पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। लोगों ने पानी के बीच फंसी इस कार को निकालने के लिए उसे रस्सियों से बांध दिया और बरसाती नाले के दोनों तरफ खड़े लोग उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। इस बीच बरसाती नाले का पानी और तेज हो गया, जिससे कार को बाहर निकाल रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि रस्सी पकड़े लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार कार को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी लोग कार को बाहर नहीं निकाल पाए और बरसाती नाले का पानी तेज होता गया, जिसकी वजह से रस्सियों से बंधी होने के बाद भी कार पानी की तेज धार में बह गई। बारिश की वजह से शहर की सड़कों में भी पानी भर गया। हालात इतने खराब हो गए कि सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल हो गया और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण बाढ़ का सामना कर रहे असम के कई जंगलों में भी पानी भरने से जानवरों पर खतरा बढ़ गया। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से पाबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी कई हिस्से पानी में डूब गए, जिसके बाद सेंचुरी में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। सेंचुरी में बाढ़ का पानी जमीन से कई फुट ऊपर तक भर गया, जिसमें कई जानवर डूबे हुए दिखाई दिए। सेंचुरी में हर तरफ पानी भरा होने की वजह से जानवर सूखी जमीन की तलाश में भटकते नजर आए। इतना ही नहीं, सेंचुरी में बने वन विभाग के दफ्तर तक भी बाढ़ का पानी पहुँच गया, जिसके बाद लोगों को वहाँ आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। वहाँ पे एक भी वन्य जीव जंतु का देहांत होने का कोई भी खबर नहीं है। हालांकि वन विभाग ने बाढ़ में फंसे सभी जानवरों के सुरक्षित होने का दावा किया। बिहार की सीतामढ़ी के गांव में बाढ़ आने के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। बताया गया कि ये गांव हर साल बाढ़ के पानी में डूब जाता है, लेकिन इस बार ऐसी बाढ़ आई कि लोगों के कमर से ऊपर तक पानी भर गया, जिसके बाद लोगों ने अपने घरों को छोड़ने में ही भलाई समझी और अपने सामान को सिर पर रखकर ऊंची जगहों पर जाने लगे। लेकिन बाढ़ के पानी को पार करने में उन्हें काफी परेशानी हुई। गांव में चारों तरफ पानी भरने से कई लोगों के घर ढह गए। दहर आये घर गिर जाए, रहे के लिए हम सबके खाने के लिए नहीं है। बताया गया कि इस गांव में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद गांव के हालात नहीं सुधरे। अब तक इस गांव में 3 दफा मुख्यमंत्री आ चुके हैं और कई योजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं। आलम ये है कि लोगों की परेशानी ना तो कोई नेता सुन रहा है और ना ही कोई अधिकारी। यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आती है, लेकिन यहाँ का जो मुखिया या कोई पदाधिकारी कोई देखरेख करने के लिए नहीं आते हैं। वहीं अररिया के गांव में बाढ़ के बाद कटान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाढ़ की वजह से गांव के कई घर पानी में डूबे नजर आए। कोई प्रशासन, कोई अभी तक मुखिया, कोई नाम, जिला प्रशासन, कोई भी नहीं आया। बाढ़ के बावजूद नेताओं और प्रशासन की अनदेखी से लोगों में काफी गुस्सा है। बिहार के दरभंगा में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ से बेघर हुए लोगों से मिलने और राहत के इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे। परेशान बाढ़ पीड़ितों के लिए लगाए गए इस कैंप में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पूरी ताकत झोंक दी और मुख्यमंत्री के लिए पूरे रास्ते पर कारपेट बिछा दिया गया और एक आदमी को उस कारपेट की सफाई में लगा दिया गया। मुख्यमंत्री के आने से पहले ही इस कैंप को पर्दों से भी सजा दिया गया। साफ सफाई और खाने पीने के सारे इंतजाम दुरुस्त होने के कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री इस कैंप में पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। कैंप के दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने लोगों के खाने पीने और दवाओं के इंतजामों के बारे में भी जानकारी ली और अधिकारियों को लोगों की मदद करने का आदेश भी दिया। लेकिन दरभंगा जिले में ही कई इलाके अब भी सरकारी मदद के इंतजार में हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग पानी के बीच ही रहने को मजबूर हैं, क्योंकि इलाके से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बाढ़ की वजह से टूट गए हैं और कुछ जगह पानी इतना भर गया है कि वहां से निकलना काफी मुश्किल है। दरभंगा में कमला बलान नदी उफान पर है और परसरमा के इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इलाके के लोगों की स्थिति क्या होगी। झोपड़ी के ऊपर से पानी, शायद यह तस्वीर आप पहली बार देख रहे होंगे कि बाढ़ आई और यहाँ के लोग तबाह हो गए। बाढ़ की वजह से परेशान लोगों ने सरकार पर उनकी अनदेखी करने के भी आरोप लगाए। जिस तरह भगवान रखेगा उसी तरह रहेगा, सरकार तो कोई देखने वाला है नहीं। इलाके के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। एक तो आर्थिक मामले में से बिगड़ रहे हैं, उसके बाद 10 रुपए दे करके परसरमा जाना और 10 रुपए दे के आना, जरूरी चीज के लिए खरीदने, एक तेल लेने के लिए, एक नमक लेने के लिए आना पड़ता है 10 रुपए दे करके 10 रुपए दे करके। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी ने इलाके में कोहराम मचाया हुआ है।
लगातार हो रही बारिश की वजह से घग्गर नदी उफान पर है और नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से घग्गर नदी ने इलाके के एक बड़े तटबंध को तोड़ दिया, जिसके बाद नदी का पानी तेजी से इलाके के कई गांव में घुस गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि घग्गर नदी का कहर अभी भी जारी है, अभी भी लगातार जो पानी है वो खेतों में जा रहा है, लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। तटबंध टूटने के बाद वहां सेना के जवान, NDRF की टीम और मनरेगा के मजदूर तटबंध को दुरुस्त करने में जुटे दिखे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि सेना के जवानों को भी तटबंध को ठीक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान NDRF की एक टीम बोट में नदी के पानी का मुआयना करती भी दिखी। फसल का नुकसान सीगा बहुत ज्यादा हो गया, कटो कट 15-20 हजार एकड़ का नुकसान हो गया जी। लोगों का कहना है कि 4 दिन पहले नदी ने तटबंध को तोड़ा था और उससे लगातार पानी इलाके में जा रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। ये उबली साइड भी टूट गया, ये सारा पिंड मर जाएगा, इसमें 5-5 फुट 10-10 फुट पानी हो जाएगा। यही नहीं, इलाके के लोगों को डर है कि कहीं नदी का पानी दूसरे तटबंध को ना तोड़ दे, और अगर ऐसा हुआ तो कई गांव पूरी तरह से डूब जाएंगे। देश के कई राज्यों में हुई भारी बारिश और बाढ़ का असर सब्जियों की कीमतों पर पड़ने से लोगों का बजट बिगड़ गया। बताया गया कि आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमतें और बढ़ेंगी, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ना तय है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सब्जियों की कीमत बढ़ने से लोग परेशान दिखे। सबसे ज्यादा असर हरी सब्जियों की कीमतों पर पड़ा। बताया गया कि जो सब्जियां हफ्ते भर पहले 30 से 40 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही थी, वो अब 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। लोगों ने दावा किया कि बाढ़ और मौसम की वजह से उनके घर का बजट बिगड़ गया। बहुत ज्यादा असर चल रहा है इस चीज के लिए और बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। वहीं दुकानदार भी महंगाई से परेशान नजर आए। पैसा लगा और दाम के दाम नहीं आ रहे हैं और घर के आ रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में सब्जियों की बढ़ी कीमत से राहत मिलना मुश्किल है। अमेरिका के अलग अलग इलाकों में करीब 15 करोड़ लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान हैं। लू की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और वॉशिंगटन समेत कई बड़े शहरों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मैरीलैंड और आर्कैनसा में लू लगने से कुछ लोगों की मौत भी हो गई। मध्य अमेरिका से लेकर अटलांटिक तट तक करीब 15 करोड़ लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी कनाडा के कुछ हिस्सों के लिए भी लू की चेतावनी जारी की है। सरकार ने लोगों को भयंकर गर्मी से बचने के लिए बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में सैकड़ों यात्री फंस गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से खंडवा बड़ौदा हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही रुकने से सैकड़ों यात्री फंस गए। दिल्ली के पास गुरुग्राम में महज 20 मिनट की बारिश के बाद इफको चौक अंडरपास को पानी भरने की वजह से बंद करना पड़ा। कर्नाटक की मडिकेरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से पुराने बस अड्डे की पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा। झारखंड में राउरकेला से 501 कांवड़ियों का जत्था सावन के पहले सोमवार पर शिवजी को जल चढ़ाने गुमला पहुंचा। सावन के पहले महीने में महिलाएं फूलों के गहने पहनकर अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में पूजा करने पहुंची। एंड्रॉइड फोन में मौजूद एजेंट स्मिथ नाम का एक खतरनाक वायरस मोबाइल और नेट बैंकिंग के लिए बड़ा खतरा बन गया। इस वायरस के जरिए हैकर फोन में मौजूद बैंकिंग से जुड़ी जानकारियां चुरा कर किसी को भी चपत लगा सकते हैं और फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहक को उसकी भनक तक नहीं लगेगी। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान एक एक्सपर्ट ने फोन को हैक कर उसमें डाले गए पासवर्ड और दूसरी जानकारियों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखा दिया। अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो वहाँ से भी डिलीट हो जाता है। यहाँ पर मैं कुछ अगर पासवर्ड एंटर करूँ तो ये पासवर्ड भी यहाँ पर दिखाई देने लगता है। बताया गया इस वायरस के जरिए हैकर मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करने वालों के खाते से आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। नेट बैंकिंग हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो या फिर मोबाइल बैंकिंग हो, कहीं ना कहीं आपके अकाउंट के ऊपर जो है वो एजेंट स्मिथ का जो है वो एक सबसे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और एजेंट स्मिथ नाम के इस वायरस से बचने के लिए लोगों को फोन का इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहने की हिदायत दी गई। फोन को पूरा फैक्ट्री रीसेट या फॉर्मेट करके उसको जो आपके ऐप से वो रीइंस्टॉल करें। रीइंस्टॉल करने से पहले एक एंटीवायरस, एंटी मालवेयर या एंटी स्पाइवेयर आपके फोन में रहना बहुत जरूरी है। ये वायरस तेजी के साथ एंड्रॉयड फोन में फैलता जा रहा है। बैंकिंग सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में RBI को सलाह देने वाली संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक एजेंट स्मिथ नाम का ये वायरस अब तक करीब 1.5 करोड़ एंड्रॉयड फोन को अपनी चपेट में ले चुका है। ये वायरस पहले तो फोन में मौजूद ऐप को करप्ट कर देता है और फिर उनके जरिए फोन के डेटा में घुसपैठ कर लेता है। वायरस की चपेट में आने के बाद फोन पर पॉपअप के जरिए कई तरह के अनचाहे विज्ञापन आने लगते हैं।
एक बार फोन में वायरस पहुंचने के बाद हैकर फोन में मौजूद हर छोटी बड़ी जानकारी को आसानी से हासिल कर सकता है। खासकर मोबाइल बैंकिंग और ई वॉलेट के पासवर्ड को हासिल कर वो लोगों के खाते से रकम भी उड़ा सकता। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा अपने एक बयान की वजह से फिर विवादों में है। सीहोर में एक कार्यक्रम के समय साध्वी प्रज्ञा ने केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन पर सवाल उठा दिए और नालियों की सफाई को सांसद का काम मानने से इंकार कर दिया। हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, ठीक है ना? हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर एनसीपी नेताओं ने पीएम से दखल देने की मांग की। प्रधानमंत्री ने इसकी दखल लेनी चाहिए, ये हमेशा विवाद में से जुड़ी हुई हैं और अब उन्होंने स्वच्छ भारत के खिलाफ एक बयान दे दिया है। जबकि कांग्रेस नेताओं ने साध्वी प्रज्ञा के बहाने पार्टी पर ही सवाल उठा दिए। मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है अब वो तवज्जो नहीं देती राष्ट्रीय राजनीति के उनके नेताओं के ऊपर, यही कारण है कि अब प्रतिद्वंद्वता की होड़ है जिसके नजारे हम सब भोपाल में देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता अपने सांसद के बयान से बचते हुए दिखे। जो कुछ उन्होंने बयान दिया वो सोच के बयान दिया होगा, तो इसलिए इस पे मुझे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं लगता। मध्य प्रदेश के भोपाल में जमीन के विवाद में दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। इस बवाल में दोनों तरफ के 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जो जमीन का विवाद बढ़ने पर एक दूसरे के सामने आ गए और पथराव करने लगे। इस हंगामे में शामिल एक पक्ष सड़क के इस तरफ जबकि दूसरा पक्ष सड़क के दूसरी तरफ था, जिसमें एक तरफ खड़े लोग अपने हाथों में लाठियां पकड़े खड़े थे और ये लोग सड़क के दूसरी तरफ खड़े लोगों पर पत्थर फेंक रहे थे, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से भी पत्थरों के जवाब में फायरिंग की गई। झड़प की जानकारी मिलने के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस वाले पहुंच गए, जो काफी देर तक दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस की किसी अपील का असर नहीं हुआ और वो पुलिस के सामने ही एक दूसरे पर हमले करते रहे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने लोगों को शांत किया और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि हंगामे में शामिल एक पक्ष के लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा दिया। लोगों ने बंदूकें चलाई सर हम पे, हमारे पूरे लोगों को घायल कर दिया सर और पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया सर। हालांकि पुलिस ने आरोपों से इनकार करते हुए हंगामे में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। घटना के बारे में पूछताछ करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा कायम होगा। हंगामा शांत करने के बाद एहतियात बरतते हुए पुलिस ने इलाके में गश्त भी की। यूपी के अलीगढ़ में कुछ लोगों ने एक पुलिस वाले पर हमला कर उसकी वर्दी फाड़ दी। मारपीट के एक मामले की जांच करने पहुंचे इस पुलिस वाले पर हमले का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि रात के अंधेरे में आरोपी युवक ने जांच के लिए पहुंचे पुलिस वाले को ही पकड़ लिया और उसके परिवार के लोग भी पुलिस वाले का विरोध करने लगे। इसी बीच वहां मौजूद एक आदमी आरोपी युवक को समझाते हुए पुलिस वालों का कॉलर छोड़ने की अपील करने लगा, लेकिन आरोपी लड़का पुलिस वाले को पकड़े रहा। आरोपी ने लोगों से घिरे पुलिस वाले की पिस्तौल भी निकाल ली और उसे लेकर भाग गया, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस वाला भी उसके पीछे दौड़ा और अंधेरा होने के बाद भी आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन उसके परिवार वाले भी पुलिस वाले का विरोध करते हुए उसे छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस वाला बिना डरे आरोपी को पकड़े रहा। आरोपी और पुलिस वाले के बीच काफी देर तक चली खींचतान के बाद आरोपी ने पुलिस वाले की पिस्तौल छोड़ दी और खुद अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। पुलिस वाले पर हमले की घटना के बाद पुलिस वालों ने 7 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से इलाके के लोग खफा हो गए और सड़क के बीचों बीच सामान डालकर जैम लगा दिया। हालांकि जैम लगा रहे लोगों को भी पुलिस वाले समझाने की कोशिश करने लगे। तुम चुप रहो, काम करो अपना, तुमको मत बोलो, अपना कर लेंगे, आगे पीछे बंद हो। मुकदमा और लिख जाएगा अभी जैम लगाने का। काफी देर तक चली कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने लोगों को समझा कर जैम खुलवाया। पुर्तगाल के कास्तिलो ब्रांको इलाके में भीषण आग लग गई। जंगल में आग लगी जिसकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि इसने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से ऊंची ऊंची आग के लपटे और धुआं उठने लगा। आग जंगल के पास के रिहायशी इलाके में भी पहुंच गई, जिसके बाद वहां बने मकानों को आग की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा। इस बीच जंगल की आग एक मकान के बेहद करीब पहुंच गई, जिसके बाद उसमें रहने वाली महिला अपने घर को आग से बचाने के लिए घर की दीवारों को पानी से भिगोने लगी। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया।
इस बीच आसपास के लोग भी फायर ब्रिगेड की मदद करने के लिए आगे आए और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मिलकर जंगल के जल रहे हिस्सों पर पानी डालकर आग बुझाने लगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कुछ लोगों ने गांव में घुसे एक लड़के को जमकर पीट दिया। बताया गया कि इलाके में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह के बाद लोग चौकन्ने थे और अचानक गांव में घुसे इस लड़के को लोगों ने बच्चा चोर गिरोह का सदस्य समझकर पकड़ लिया और बिना देर किए उसकी पिटाई शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लड़के को बचाकर थाने ले आई। जांच के बाद पुलिस ने दावा किया कि लड़का नशे की हालत में गांव में घुस गया था। नशे की हालत में था और वो अपना रास्ता भटक गया था। मस्जिद कुछ बच्चों से उस पते को पूछा जिसमें लोग बाग उसको चोर समझ बैठे। फिलहाल पुलिस ने लड़के की बिना वजह पिटाई करने वाले लोगों की तलाश तेज कर दी है। गुरुग्राम के पास अरावली की पहाड़ियों को हरा भरा बनाने की मुहिम शुरू की गई। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल की मौजूदगी में गुरुग्राम से फरीदाबाद के बीच अरावली की पहाड़ियों को हरा भरा बनाने की मुहिम शुरू की गई, जिसके लिए ड्रोन की मदद से 1 करोड़ से ज्यादा बीज बिखेरे जाएंगे। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम की टीम ने एक घर पर छापेमारी कर करीब 15 टन पॉलिथीन जब्त। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीच सड़क पर करीब आधे घंटे तक चली सांडों की लड़ाई की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही ठप हो गई। झारखंड के चासनगर में बीजेपी नेता पर पड़ोस में रहने वाले एक वकील के परिवार वालों के साथ मारपीट का आरोप लगा। चांद पर जाने वाले चंद्रयान 2 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज दोपहर 2:43 पर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाएगा। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारी भरकम रॉकेट जीएसएलवी MK3 लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि GSLV M3 को बाहुबली के नाम से जाना जा रहा है, इसको पुकारा जा रहा है। इससे पहले 15 जुलाई को लॉन्चिंग से 1 घंटे पहले इसमें तकनीकी खराबी के बाद इसे रोक दिया गया था, जिसके बाद आज की तारीख तय की गई और 2:43 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। बहुत लोग बोल रहा है ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, इसरो का फेल्यूर है, लास्ट टाइम लॉन्च नहीं हुआ। वो मैं उस तरह से नहीं समझ रहा हूँ। एक्चुअली इस तरह से एक प्रॉब्लम हो सकता है, करना ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल एंड साइंटिफिक चैलेंज है, वो इसरो ने किया, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह ये पहली बार नहीं है दैट लास्ट मिनट में लॉन्च को कैंसिल किया है। पहली बार 2001 में इसी तरह GSLV D1 को फ्लाई करना था, उसको जस्ट 1 सेकेंड के पहले, दैट इज लॉन्च का 1 सेकेंड के पहले अबॉर्ट किया है। देन उसके बाद 18 डेज़ के बाद वो सेटराइट करने के बाद 18 डेज़ के बाद वो अच्छा फ्लाई किया, पूरा कामयाब सक्सेस हुआ है। चंद्रयान 2 अगर आप देखना चाहें तो 2018 में मार्च में सबसे पहले वो लॉन्च होना था, उस टाइम नहीं हुआ। और ऐसे कई बार 3-4 बार मतलब उन्होंने किया था कि लॉन्च इस टाइम पर होगा, वो नहीं हो सका क्योंकि कुछ ना कुछ खामियाँ आ गई। ऐसे होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल में फरवरी में या कुछ में जो लैंडर था विक्रम, उसके टांग जो है मतलब लेग्स जो हैं टांगे, उनमें कुछ खामियां आ गई थी, तो उन्होंने उसको चेंज किया और काफ़ी मतलब एडजस्टमेंट्स किए उसके अंदर। और इस बार ये था कि हाँ वो लॉन्च पैड पे आ गया। चंद्रयान 2 धरती से हजारों किलोमीटर दूर चांद पर पानी और खनिज की खोज करेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 को आज दोपहर 2:43 पर लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 को इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV Mark 3 की मदद से पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजा जाएगा। चंद्रयान 2 लॉन्च होने के 55 दिन बाद चांद की कक्षा में पहुंचेगा। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 के 3 हिस्से हैं जिनमें नाम ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है। लैंडर यान को चंद्रमा की सतह पर उतरने में मदद करेगा, जबकि रोवर चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी और वहां के वातावरण की जांच करेगा। वहीं ऑर्बिटर चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए लैंडर और रोवर पर नजर रखेगा और रोवर से मिली जानकारी को इसरो सेंटर तक पहुंचाने का काम भी करेगा। इससे पहले भारत ने 2008 में चांद पर अपना पहला मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जो कि क्रैश लैंडिंग की वजह से कई हिस्सों में टूट गया था। राजस्थान के जोधपुर में लोगों ने चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग के लिए वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी।
जो ये मिशन है, ये मिशन एक्चुअली में मून पे जाके उसके मिनरल्स, वहाँ कैसे मिनरल्स है और वहाँ पर कैसा एटमोसफियर है, आगे आने वाले फ्यूचर में कैसा एटमोसफियर रहेगा और पूरा सरफेस कैसे है, वहाँ क्या चेंजेज होने वाले, उसको ये फाइंड आउट करने के लिए है। तो ये सबके आज भारतवासियों के लिए पूरा गर्व का दिन है और ये चीयर्स और आज सेलिब्रेट करने का दिन है, हमारे लिए गर्व का दिन है। इंडिया चीयर्स करने का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है। सर, और ये ऐसी जगह पे हम उतर रहे हैं जहाँ आज तक कोई नहीं उतरा है, क्या सुना है? सर, सबसे पहले भारत के सभी भारतवासियों को और इसरो को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि ये आज जो चंद्रयान 2 जो लॉन्च होगा उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि सर, ये साउथ पोल पे उतर रहा है जहाँ पे आज तक एक भी है ना यान नहीं गया है, और जबकि वो पूरा एक अंधेरा एरिया है। तो सबसे पहले ये अपना है कि सारे जो भी उपकरण है वो अपने खुद के स्वदेशी है, तो ये इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और इसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो भी नए टेक्निक्स आ रही है और जो भी नए यहाँ पे कुछ नया फाउंड आउट मिलेगा वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। इस चंद्रयान के 3 अहम हिस्से हैं जिसमें से सबसे अहम ऑर्बिटर है। चंद्रयान 2 के चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद ऑर्बिटर चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाएगा। चांद के चक्र लगाने के समय ऑर्बिटर चांद की सतह की मैपिंग भी करेगा, साथ ही सूरज की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता को मापेगा। ऑर्बिटर चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें भी खींचेगा। इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी खनिजों का पता लगाएगा। ऑर्बिटर इस बीच बर्फ के रूप में जमा पानी की भी तलाश करेगा और लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सही जगह चुनेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों ने मिशन चंद्रयान 2 को बड़ी उपलब्धि बताया और देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। पहले तो ये पूरे तरीके से भारत के द्वारा बनाया गया है, तो बहुत ही मुझे गर्व महसूस हो रहा है और एक भारतीय होने के नाते मैं इस पे गर्व के साथ साथ बहुत अभिमान भी महसूस करता हूँ, क्योंकि ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत हुआ है। इसे भारतीय वैज्ञानिक की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के कारण हम लोग को बहुत सस्ते में अपना अभियान चालू किए हैं और सस्ते में अच्छे से अच्छा चीज़ कर रहे हैं। जितने भी राष्ट्रवादी हैं, जो भी देशभक्त हैं, वो आज ऐसा है कि अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हम भी वही विश्व गुरु के रूप में जो उभर के हमारी तस्वीर आ रही है वो आगे भी इससे और अच्छी तरह से हम उभरेंगे। मैं गर्व से महसूस करूँगा क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान ने अनेकों उपलब्धियाँ की हैं और बहुत ही सस्ते और कम दरों में चंद्रयान बनाया है और पूरे विश्व को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि नासा के अलावा हमारे पास भी चंद्रयान के लिए जो भी है कम बजट में बहुत सी चीज़ें हम उपलब्ध कर सकते हैं। चांद पर अब तक कई देशों ने अपने मिशन भेजे हैं, लेकिन भारत का मिशन चंद्रयान 2 अपने आप में अलग है क्योंकि भारत ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना यान उतारने का फैसला किया है। लेकिन इसके पीछे एक खास कारण भी है जिसमें से सबसे बड़ा कारण लैंडिंग के लिए सपाट जमीन है। सपाट जमीन मिलने से रोवर प्रज्ञान के किसी गड्ढे में गिरने की आशंका कम रहेगी। इसके अलावा सपाट जमीन मिलने से रोवर प्रज्ञान आसानी से आधा किलोमीटर दायरे में घूम सकेगा। इसके अलावा चांद के दक्षिण ध्रुव में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा होती है। लैंडर विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी आसानी से चार्ज करने के लिए इस सौर ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही चांद के इस हिस्से में पानी या जमी हुई बर्फ मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि चांद के क्षेत्र में जीवाश्म भी मिल सकते हैं जिनमें पृथ्वी के जन्म की जानकारी मिल पाएगी। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग आज दोपहर 2:43 पर होगी जिसे लोगों ने बड़ी कामयाबी बताया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो इंडिया ने सालों बाद प्राप्त करी है, इस पे हम सब भारतीयों को गर्व होना चाहिए तथा इस मिशन को सक्सेस होना चाहिए। चीन और अमेरिका के बाद तीसरे देश हम इस तरह से जा रहे हैं कि वहाँ पे हमने पानी के बारे में मालूम किया और कुछ बहुत कीमती खनिज धातुएं हैं जिनके लिए चीन और अमेरिका उस पे वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कदम उनके इस वर्चस्व को रोकेगा। ये स्वदेशी तकनीक पे आधारित है, इसके लिए और गर्व की बात है। इस मिशन से और आगे मिशन खुलेंगे, बहुत सारे स्पेस में हम नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विश्व में भारत का नाम होगा और मैं समझता हूँ कि किसी भी देश के भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात है, गौरव का क्षण है। मैं तो इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहूँगा कि हिंदुस्तान जो है सिरमौर बन रहा है पूरी दुनिया के अंदर। भारत एक विश्व की महाशक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। हम लोग एक दिन अमेरिका को भी मात दे देंगे इसमें। अब सवाल यह है कि चंद्रयान 2 अपने साथ क्या क्या लेकर जाएगा, तो आइए आपको ये भी बता दें। चंद्रयान 2 अपने साथ लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ले जाएगा। इसकी मदद से पता लगाएगा कि चांद आखिर किससे बना है। चंद्रयान में इमेजिंग IR स्पेक्ट्रोमीटर लगे हैं जो पता लगाएंगे कि चांद पर कौन से खनिज हैं, साथ ही पानी और बर्फ कहां पर है।
इसके अलावा इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगे हुए हैं। इनकी मदद से चांद के ध्रुवों का नक्शा बनाएगा, सतह पर पानी और बर्फ भी तलाशेगा। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा है। इस कैमरे की मदद से चांद की सतह का नक्शा बनाया जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान में सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट लगा है जो चांद के तापमान की भी आसानी से पड़ताल करेगा। साथ ही चंद्रयान 2 में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेन डाउन स्पेक्ट्रोमीटर है जो उतरने की जगह के आसपास की मिट्टी की पड़ताल भी करेगा। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 को बड़ा मिशन बताया और अंतरिक्ष में भारत का बड़ा कदम भी बताया। जो लॉन्च विंडो होती है वो केवल हमारी तैयारी के ऊपर ही निर्भर नहीं करती, इसके अतिरिक्त जो ग्रहों की पोजीशन है, चंद्रमा की पोजीशन और अर्थ की पोजीशन, क्योंकि हमें इनके गुरुत्वाकर्षण का भी लाभ लेना होता है ताकि हम मिशन को कम से कम कीमत पे सफल कर पाएँ, तो इसलिए इसको जल्दी करना आवश्यक था। और मैं बधाई देता हूँ हमारे ISRO के वैज्ञानिकों को कि उन्होंने बहुत कम समय में, कुछ ही लगभग एक दिन के अंदर ही आइडेंटिफाई कर लिया कि समस्या क्या है और उसको उन्होंने ठीक भी कर लिया। उसके लिए उनको पूरा डिसमेंटल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। हम बहुत सारी चीज़ें पहली बार करने जा रहे हैं, जैसे लैंडर को हम पहली बार उतारने जा रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहे हैं साउथ पोल के एरिया में, क्रेटर्स के बीच में। खैरियत से लैंडर और रोवर दोनों को उतारना ये बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन है, ये टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स है और हम साइंस की दुनिया में बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं इस मिशन को लेकर के, तो इन दोनों वजहों से ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत मुश्किल मिशन है इसका कम्प्लीट होना। चंद्रयान 2 इसरो की अंतरिक्ष में सबसे बड़ी छलांग है। इससे पहले 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद की परिक्रमा कर पानी के निशान तलाशे थे। इसके बाद 2013 में मंगलयान ने वातावरण की जानकारी जुटाई और अब 2019 में चंद्रयान 2 चांद पर उतरकर पानी का पता लगाएगा। इसके बाद 2020 में मिशन आदित्य से सूर्य की पड़ताल का भी अभियान शुरू होगा, जबकि 2021 में गगनयान के जरिए पहली बार अंतरिक्ष में 3 भारतीय कदम रखेंगे। गुजरात के पोरबंदर में एक प्रिंसिपल ने स्कूल के 2 छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि दोनों छात्र अपने क्लास की छात्राओं को परेशान करते थे, जिसकी शिकायत प्रिंसिपल को मिली और फिर उसने एक छड़ी से उन छात्रों की पिटाई करनी शुरू कर दी। प्रिंसिपल ने एक छात्र का हाथ पकड़कर उस पर छड़ी बरसाने लगा। बीच बीच में वो छड़ी को घुमा घुमा कर उसे पीटता रहा। इस दौरान छात्र उससे लगातार माफी की गुहार लगाता रहा। छात्र कई बार जमीन पर गिरा लेकिन उसकी पिटाई जारी रही। इस बीच एक और आदमी वहाँ पहुँचा और एक पाइप से वो भी उस छात्र को पीटने लगा। इससे पहले दोनों छात्रों को एक छोटे से बैरक में बंद कर दिया गया था, जिसे खोलने के बाद प्रिंसिपल ने दूसरे छात्र को कई थप्पड़ मारे। दोनों छात्र हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते रहे लेकिन वो नहीं माना और एक छात्र को बैरक से निकालकर मारने लगा। छात्रों की पिटाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के वॉशिंगटन में पाकिस्तानी नागरिकों के साथ एक कार्यक्रम के समय बलूचिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के समय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भाषण दे रहे थे और प्रदर्शन की वजह से उनको अपना भाषण रोकना पड़ा। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक नाबालिग की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लड़के एक गली में खड़े होकर किसी बात पर बहस करते दिखाई दिए। कुछ ही देर में उन लड़कों के बीच धक्का मुक्की होने लगी जो हाथापाई में तब्दील हो गई और फिर उन लड़कों में से एक ने दूसरे लड़के के पेट में चाकू मार दिया। कुछ देर तक तो लड़का खड़ा रहा लेकिन चाकू के हमले में घायल होने की वजह से वो बेहोश होकर गिर गया। वहाँ पे थोड़ी नोकझोंक हुई इनमें और थोड़ी जीने के पीछे चलने के पीछे इन्होंने उसको, जो हमारा दो भाई था उसके लिए उन्होंने उसको चाकू से हमला करा, जिसके बाद लड़के की अस्पताल ले जाने के समय मौत हो गई। लड़के की मौत के बाद उसके घर में मातम पसर गया। इस बीच लड़के का पिता अपने बेटे की मौत की गम में फूट फूट कर रोता दिखाई दिया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने संभाला। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच तेज कर दी।
यूपी के बागपत में एक नेशनल शूटर की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि किसी पुरानी रंजिश की वजह से बदमाशों ने नेशनल शूटर को पकड़ लिया और फिर सब मिलकर उस पर टूट पड़े। बदमाशों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और एक ने उसकी गर्दन पकड़ ली, जबकि दूसरे बदमाश उस पर लात घूंसे और चप्पल बरसाने लगे। इसके बाद एक बदमाश ने उसके एक दोस्त को भी मारना शुरू कर दिया। इस बीच बाकी बदमाश नेशनल शूटर की पिटाई करते रहे। तभी एक बदमाश एक ईंट लेकर आया और उससे उसे मारने लगा, जिस पर उसके दूसरे साथियों ने रोकने की भी कोशिश की। इस घटना के बाद नेशनल शूटर के पिता पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे, जहां पिटाई करने वाले बदमाशों के घर वालों के साथ उनकी बहस भी हो गई। बताया गया कि बदमाशों ने मारपीट का वीडियो खुद ही बनाया और इसे वायरल भी कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कांगो में इबोला के काबू में नहीं आने के बाद इस पर इंटरनेशनल इमरजेंसी लगा दी है। बताया गया कि ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल सकती है। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देश कांगो में इबोला से 1550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार ये बीमारी फैलती जा रही है, जिसकी वजह से WHO ने इबोला से लोगों को आगाह करने के लिए दुनिया भर में इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित की है। इबोला एक तेजी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है, जिससे प्रभावित आदमी के मरने की संभावना 90% तक होती है। बताया गया कि इबोला का वायरस चमगादड़ और दूसरे जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है। इबोला वायरस का पता पहली बार 1976 में दक्षिण सूडान और कांगो में चला था। चिंता की बात यह भी है कि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिल पाया है। हालांकि इससे बचाव के लिए टीके बनाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली के समय अपनी ताकत दिखाई और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। बताया गया कि इस रैली में 3 लाख से ज्यादा TMC समर्थक शामिल हुए थे, जिसकी वजह से स्टेज के आसपास का पूरा इलाका भारी भीड़ से भरा नजर आया। जहां तक नजर जा रही थी वहां सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वहां लोगों का सैलाब नजर आ रहा हो। स्टेज के सामने ही सड़क पर जुटे लोगों की संख्या लाखों में दिखी। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत वहां देश प्रेम के गानों से की गई। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्टेज पर आते ही उनके समर्थक भी जोश में भर गए और जमकर नारेबाजी हुई। ममता बनर्जी ने भी लोगों की भारी भीड़ और उनके जोश को देखते हुए अपने भाषण की शुरुआत में ही बीजेपी पर जोरदार हमला बोल दिया। এলাকা এলাকায় গিয়ে বলছে টাকা ফিরিয়ে দাও, তুই সবচেয়ে বড় ডাকাত, সবচেয়ে বড় ডাকাত, তুই গিয়ে বলছিস তৃণমূলকে টাকা ফিরিয়ে দাও। ममता बनर्जी ने भाषण के बाद पूरे देश से बीजेपी को हटाने का नारा भी दिया। इस दौरान मंच पर TMC के कई बड़े नेताओं के साथ सांसद नुसरत जहां भी नजर आईं। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। ममता बनर्जी ने इस दौरान EVM की जगह चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग भी की। EVM नहीं, बैलेट चाहिए, बैलेट चाहिए, बैलेट चाहिए। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने TMC कार्यकर्ताओं की भी जमकर तारीफ की। कोलकाता में हुई TMC की रैली से पहले पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और TMC के कार्यकर्ताओं में बवाल हो गया। TMC कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके समर्थकों को रैली में जाने से रोकने की कोशिश की, जिसका TMC कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया। हुगली में जिस जगह ये बवाल हुआ वहाँ एक तरफ TMC के कार्यकर्ता थे जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक दिखे। आरोप है कि इस बीच एक आदमी को बीजेपी के समर्थकों ने पीटने की कोशिश की, जिसे वहाँ मौजूद कुछ लोग बचा कर ले गए। लेकिन इसके बाद दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस बीच वहाँ पहले से मौजूद पुलिस के जवानों ने हंगामा रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों में गुस्सा इस कदर हावी था कि वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस हंगामे के बीच वहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची, जिससे माहौल और गर्म आ गया। इसके बाद एक महिला ने दूसरी तरफ खड़ी महिलाओं पर हमले की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस के जवानों ने कड़ी मेहनत के बाद हालात को संभाल लिया, जिससे वहाँ कोई बड़ी घटना नहीं हुई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक महिला ने पैसों के विवाद में खुदकुशी की कोशिश की। आरोप है कि एक दुकानदार कमेटी की रकम महिला को देने में लंबे वक्त से टालमटोल कर रहा था, जिससे परेशान होकर महिला और उसकी दुकान के सामने ही बैठकर हंगामा करने लगी। उसे ऐसी हरकत देख वहां लोगों की भीड़ जुट गई। बोलो बोलो क्या हो गया था, इधर बोलो, इधर बोलो पहले। तभी उस महिला ने सड़क के किनारे रखी एक ईंट उठाई और उसे अपने सिर पर मारने लगी। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। ऐसा मत करो, ये मत करो।
महिला ने दुकानदार पर उसके पैसे रखने का आरोप लगाया। जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने महिला को पूरी मदद का भरोसा दिया। बताया गया कि महिला ने पेट्रोल पीकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की। इस हंगामे के बाद पुलिस उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गई। यूपी के अलीगढ़ में एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी से दो हथियारबंद बदमाशों ने लूट की। बताया गया कि ये बदमाश पिस्टल के दम पर 2500 रुपए लूट कर ले गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ दिखा कि पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक कर्मचारी वहां बैठा था, तभी बाइक सवार दो बदमाश वहां पहुंचे। एक बदमाश बाइक पर ही बैठा रहा जबकि दूसरा पिस्टल के दम पर कर्मचारी से रकम लूटने लगा। बदमाश ने कर्मचारी की जेब खंगाली और वॉलेट निकाल लिया। रुपए लूटने के बाद ये दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए, जिन्हें जल्द पकड़ने का भरोसा दिया गया। सीरियस है जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस दिखाए जा रहे हैं और तत्काल उनसे तहरीर लेकर अभी वो पंजीकृत किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। लूट की इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। केंद्र सरकार ने छोटे शहरों के लिए लाइट अर्बन रेल सिस्टम यानी मेट्रो लाइट ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। ये ट्रेनें उन जगहों पर चलाई जाएंगी जहां यात्रियों की संख्या ज्यादा नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मेट्रो लाइट ट्रेनों को 50 छोटे शहरों में चलाने की योजना है, जिसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक मदद देगी। 3 कोच वाली इस ट्रेन में 300 यात्री सफर कर सकेंगे। इस मेट्रो लाइट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। मेट्रो ट्रेन की तुलना में खर्च कम करने के लिए इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, एक्सरे और सामान को स्कैन करने का सिस्टम नहीं होगा। मेट्रो ट्रेन की तरह ही मेट्रो लाइट ट्रेन के लिए अलग ट्रैक बनाया जाएगा ताकि सड़क के ट्रैफिक पर इसका कोई असर न पड़े। एमपी के बैतूल में एक सरकारी स्कूल के कुछ बच्चों से अनाज की भारी भरकम बोरी उठवाई गई। बताया गया कि एसडीएम के लिए यह अनाज स्कूल पहुंचा था, जिसे स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चे ढोते नजर आए। ये बच्चे स्कूल से कुछ दूरी से अनाज की एक बोरी उठाते लाते दिखे। खुद से ज्यादा वजन की बोरी उठाने के दौरान बच्चों की सांस चढ़ गई। अनाज की इस भारी भरकम बोरी को बच्चों ने रास्ते में कई बार रखा, लेकिन किसी ने भी उन्हें मजदूरी करने से नहीं रोका। स्कूल में पढ़ने पहुंचे इन बच्चों ने कड़ी मेहनत के बाद स्कूल के कमरे में बोरी लाकर रख तो दी, लेकिन इस दौरान वो बुरी तरह पसीने में भीग गए। इस मामले की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इसकी मैं जांच करवाऊंगा क्योंकि आपके मार्फत ही मुझे खबर मिली है और इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। वहीं बच्चों से मजदूरी कराने के इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने अपनी गलती मान ली। मुंबई के मालाड रेलवे स्टेशन पर एक आदमी वहां बने एक लोहे के ढांचे पर चढ़ गया, जिसके बाद आदमी ढांचे से कूदकर खुदकुशी कर लेने की धमकी देने लगा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। फौरन सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। बाद में वहां पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने लोहे के ढांचे पर चढ़े आदमी का रेस्क्यू शुरू कर दिया। पहले तो आदमी को काफी देर तक समझाया बुझाया गया, लेकिन उसके नहीं मानने पर रेस्क्यू टीम का एक कर्मचारी उसके पास पहुंचा। धीरे धीरे कुछ और लोग भी लोहे के ढांचे पर पहुंचे और फिर उसे पकड़ लिया। जिस लोहे के ढांचे के ऊपर आदमी चढ़ा था, उसके नीचे ट्रेन खड़ी थी। आदमी को पकड़ने के बाद रेस्क्यू टीम के लोगों ने उसे रस्सी से बांधने की कोशिश की। इस दौरान आदमी उनका विरोध करता रहा। इसी बीच आदमी लोहे की सीढ़ी पकड़कर लटक गया। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से वो नीचे उतरा, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने उसे पकड़ लिया। बताया गया कि आदमी का नाम अकन बोरो है और वो नेपाल का रहने वाला है। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो आपको डायबिटीज और दिल की बीमारी का खतरा बना रहता है। स्वास्थ्य से जुड़ी एक रिसर्च में इस बात का पता चला है। news18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक सही समय पर रात में नहीं सोने की वजह से खाने पीने का रूटीन खराब हो जाता है, जिससे उम्र से पहले डायबिटीज और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। देर रात तक जागने से लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। रिसर्च में बताया गया कि देर रात तक जागने वाले ज्यादातर लोग सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला खाना खाते हैं। इनमें शराब, मीठी चीजें, चाय और कॉफी पीने की आदत होती है, जिससे मोटापा भी बढ़ता है। देर से सोने और सुबह लेट तक उठने वाले लोगों के दिमाग और हार्मोन पर भी बुरा असर पड़ता है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों की याद में दिल्ली में सेना के कुछ जवानों और आम लोगों ने विजय चौक से इंडिया गेट तक विजय दौड़ निकाली। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 20वीं सालगिरह है, जिसे एक सप्ताह पहले से मनाया जा रहा है।
इस युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए विजय दौड़ में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में सुबह से ही लोग जुट गए। शहीदों को सम्मान देने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं से लेकर एनसीसी कैडेट्स तक वहां पहुंचे और विजय चौक से इंडिया गेट तक दौड़ लगाई। लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार के झंडा लहराने के बाद दौड़ शुरू हुई। कुछ लोग तो गोद में अपने बच्चों को लेकर दौड़ते दिखे। कारगिल के में जो शहीद हुए थे उन लोगों को ये श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसी को देखते हुए विजय दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इंडिया गेट की तरफ ये तमाम लोग जा रहे हैं और पूरी तरीके से इसका विजय उपलक्ष मनाया जा रहा है। दौड़ में शामिल होने पहुंचे लोगों का बैक पाइपर बजाकर हौसला भी बढ़ाया गया। लोगों ने दौड़ लगाकर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। किस वजह से दौड़ रहे हैं? शहीदों के सम्मान के लिए सर। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है जिसमें हम अपने जो शहीद हैं कारगिल के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये दौड़ इंडिया गेट पर जाकर खत्म हुई, जहां दौड़ लगाकर पहुंचे लोग उतने ही जोश में नजर आए जितने दौड़ शुरू होने से पहले थे। पटना में एक लड़के की दिनदहाड़े हत्या के बाद उसके घर में मातम पसर गया। आरोप है कि दानापुर के दियारा से महिला पार्षद माला राय के बेटों ने किसी विवाद के बाद इस लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अपने बेटे को खो चुकी माँ उसके शव से लिपट कर रोने लगी। लड़के की हत्या से गुस्साए इलाके में रहने वाले लोग और उसके परिवार वाले आरोपियों के मकान के बाहर पहुंचे और वहां खड़ी बाइकों, साइकिल और कुर्सियों में जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के मकान के एक मेन गेट को भी उखाड़ डाला। वो फोर व्हीलर गली में घुसाया, उसके बाद उतर के हाथ में गन उन लेके दौड़ा तो आगे जाके फायरिंग किया तो हम समझ गए कि दोस्त को मैंने मार दिया। वहीं हत्या के इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी तादाद में जुटे लोग वहां से हटने को राजी नहीं हुए। इन लोगों को पुलिस ने भरोसा दिया कि जांच के बाद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इलाके में पुलिस की तैनाती रही। काफी देर तक लोगों को समझाने के बाद लोग शांत हुए। मुंबई के कोलाबा में एक इमारत में भीषण आग लगने से एक आदमी की मौत हो गई। चर्चिल इलाके में जिस इमारत में आग लगी वो ताजमहल होटल के नजदीक है, जिसमें अचानक आग की लपटें उठने लगी और इमारत की ऊपरी मंजिल से धुआं उठने लगा। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस आग की खबर दमकल विभाग को दी गई, जो अपनी कई गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। इस काम में हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई, जिसके जरिए दमकल विभाग के लोग और मुंबई पुलिस के जवान इमारत की उस जगह तक पहुंचे जहां आग लगी थी और इमारत में फंसे लोगों को निकालने लगे। मैं इस वक्त स्पॉट पे हूं, आप देखिए यहां पे तस्वीरें जो है, फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो सीढ़ियों के जरिए वहां पे चले हैं और आग का जो देखिए जो आग लगी है तीसरे फ्लोर पर बताया जा रहा है कि आग लगी है, वहां से धुआं निकल रहा है। आग में फंसे कई लोगों को तुरंत इमारत से बाहर निकाला गया, जिन्हें स्ट्रेचर पर रखकर अस्पताल भेजा गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक इमारत की ऊपरी मंजिल को काफी नुकसान हो चुका था। पुरानी बिल्डिंग है, उसकी वजह से ज्यादातर स्ट्रक्चर कुछ लकड़े का है, इसके लिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बिहार के कटिहार में सुरजापुरी जन क्रांति मोर्चा के संयोजक ख्वाजा शाहिद ने प्रशासन पर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ख्वाजा शाहिद ने पूरे इलाके को बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग की और सड़क पर लेटकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ख्वाजा शाहिद के इस प्रदर्शन में उनकी पार्टी का झंडा लिए कई समर्थक भी शामिल हुए, जो प्रशासन से मदद की गुहार लगाते नजर आए। ख्वाजा शाहिद ने इस दौरान ये भी साफ कर दिया कि भले ही वो सीएम नीतीश कुमार के करीबी हों, लेकिन जनता की आवाज उठाने में वो पीछे नहीं रहेंगे। हमको टिकट का न लोभ है न डर है, टिकट मिले न मिले, जनता का टिकट खाली हमको मिलते रहना चाहिए, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। वहीं कई लोगों ने ख्वाजा शाहिद के इस विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंट बताया। ये जो बार पर राजनीति हो रही है, बार पीड़ितों की राजनीति नहीं हो रही है, अपने स्वार्थ अपनी राजनीति और 2020 को लक्ष्य बांध के राजनीति हो रही है। बिहार के कई जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मैं हूं किशोर रजवाणी, आज की ताजा खबर जारी है।